नंदनी, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो जेएनयू का एमए इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो कैन यू गिव अस ए स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ कि आपने कहाँ से पढ़ाई की और आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू सर। बेसिकली आई एम फ्रॉम मंदसौर मध्य प्रदेश। आई ग्रेजुएटेड इन बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी और जनवरी में मैंने जेएनयू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और माय यस सर हाँ, बताइए बताइए। सर मतलब मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट करा था जेएनयू का एग्जाम देने के लिए, तो तो फिर आप जो मैंने है, प्रिपरेशन स्टार्ट आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था? सर बैचलर इन साइंस ओके, तो पॉलिटिकल साइंस पीसीए। आपका कोई नहीं था? नहीं सर चलिए, तो फिर आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जिनसे भी बात की, सभी लोगों का जो ग्रेजुएशन था वो पॉलिटिकल साइंस में ही था। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन हु डिड ग्रेजुएशन इन सम डिफरेंट सब्जेक्ट दैट टू साइंस एंड स्विचिंग ओवर टू पॉलिटिकल साइंस। तो वो जर्नी कैसे आपने स्टार्ट किया, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल के मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने सोचा कि मास्टर्स ह्यूमैनिटीज में किया जाए। तो ह्यूमैनिटीज के जब मैंने सब्जेक्ट सर्च करे तो मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मेरे ब्रदर जेएनयू में ही है, उनका लास्ट ईयर ही सिलेक्शन हुआ था जेएनयू में, तो ही सजेस्टेड मी टू गिव दैट एग्जाम। देन मैंने भी देखा कि जेएनयू पूरे इंडिया के अंदर ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट है, तो इन जनवरी मैंने जैसा बताया कि जनवरी में मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस समय जेएनयू का अपना का एक वो रहता था एंट्रेंस, तो वो सब्जेक्टिव वाइज था, तो मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और उसके बाद में यस तो सर आपने सबसे पहले जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, यस तो सर कौन से सिलेबस को आपने सबसे पहले रेफर किया? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा उस समय कुछ भी पैटर्न का सियोरिटी नहीं था, सीयूटी होगा, जेएनयू सेपरेट होगा, तो यस सर वो सबसे पहले आपने क्या चीज को रेफर किया? सर उस समय मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट करी थी दो बुक, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन एंजल और सेकंड थी ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्री हेवल। वो बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट करी इंटरनेशनल रिलेशंस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और उसके अलावा मेरे ब्रदर्स के थोड़े बहुत नोट्स बना रखे थे उन्होंने, शॉर्ट नोट्स, तो उस समय मैं वो पढ़ रही थी। और फिर जब आपको पता चला कि पॉलिटिकल साइंस का वेटेज जो है वो ज्यादा है, तो उसको फिर आपने किस तरीके से मैनेज किया? सर जैसे ही मुझे पता चला मेरा, तो सही में मैं सोच रही थी कि ऐसा इतना सारा सिलेबस एक साथ आ गया। जब सीयूटी पीजी का सिलेबस देखा, आप मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ आएगा एग्जाम के अंदर, इतना सब कुछ पूछेंगे, तो तब मुझे पता नहीं था। देन फिर मैंने सिलेबस देखा तो आईआर तो मेरा वैसे कंप्लीट हो ही चुका था, क्योंकि मैंने वो दो बुक्स 3 से 4 बार रीड कर ली थी, तो आईआर को मैंने साइड में रखा। और फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन थी सर, तो उसके अंदर सारे जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, तो उनके अलग अलग पीडीएफ बने हुए थे और उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और उसके अलावा मैंने ये क्या बोलते हैं ना, अपने यूट्यूब से भी दो चैनल ज्वाइन करे और उनसे पढ़ा और उनके नोट्स भी बनाए। तो आपको लगता है कि अगर आपके पास और भी समय होता तो आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो सकता था, इवन दो आपका क्रैक हो गया? तो बेसिकली मैं आप ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपने नहीं किया, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको लग रहा था कि हाँ, अगर वो भी हो जाता तो बेटर होता, बिफोर रिजल्ट बीइंग डिक्लेयर्ड। सर एग्जाम के दिन तक भी लग रहा था कि नहीं नहीं कुछ छूट गया छूट गया, ये तो हमेशा चलता ही रहता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो छूटा है, हमेशा कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। तो सर जितना अपन अगर पढ़ सकते हो उतना अपन को पढ़ लेना चाहिए, और मतलब इस टाइप से पढ़ना चाहिए कि एग्जाम की क्या नींद है। एग्जाम आपसे पूछ क्या रहा है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, पॉलिटिकल थ्योरी से आ रहे, या फिर कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स से पूछ रहे, या फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से। मैंने उसी हिसाब से पहले मैंने पेपर्स देख लिए थे पास्ट ईयर्स के, और उस हिसाब से मैंने देखा था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन और पॉलिटिकल थ्योरी से ज्यादा पूछे, तो सर मैंने ज्यादा उन्हीं पे ध्यान दिया था।
पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपने कौन सी बुक रेफर की थी? सर मैंने एक तो मैंने जैसे बताया कि यूट्यूब से मैंने लेक्चर देखे थे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके अलावा मैंने ओपी बोबा से पॉलिटिकल थ्योरी के वो पढ़े थे। तो ओपी गोवा आपको लगता है कि हाँ वो एक रेफरेंस बुक के लिए बिल्कुल सही बुक है हाँ सर बहुत बहुत कि अच्छी बुक है। ठीक यस सर मुझे वो बुक पर्सनली बहुत अच्छी लगी। है। और इन टर्म्स ऑफ जब आपने मान लीजिए अपनी सभी स्टडी कर ली, क्योंकि अब आपने पॉलिटिकल साइंस का पहले कभी एग्जाम दिया नहीं है, ठीक है, यस लेकिन सर आपने पॉलिटिकल साइंस पूरा पढ़ लिया, तो उसके सेल्फ एवेल्युएशन के लिए आपने क्या क्या किया कि जब इससे किसी भी सर टॉपिक मैंने से सर जा रहे हैं तो आप आंसर कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं? सर मॉक टेस्ट सर मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करने का मॉक टेस्ट। सर स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे थे तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। देन फिर आगे मैंने थोड़ा और पढ़ा तो मैंने कहा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, तो फिर मैंने और उसको अच्छा थरोली पढ़ा। फिर आगे जाके मैंने टेस्ट सीरीज भी ली, मैंने दो तीन टेस्ट सीरीज ली थी, एक एग्जाम टेस्ट सीरीज भी ली थी। तो सर एग्जाम टेस्ट की टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उसके अंदर सारे पास्ट ईयर के पेपर्स आप लोगों ने दे रखे थे, जेएनयू के, यूजीसी नेट, बीएचयू, एससीयू, तो मुझे उनके पेपर्स देखने का चांस मिला। तो मैंने उसमें जब देखा तो सब मुझे समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या इनके वो टाइप्स रहते हैं, कैसे क्या करना है। तो सर जब जैसे ही मैंने टेस्ट देना स्टार्ट करा उसके बाद में मुझे समझ में आने लगा, और धीरे धीरे सर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगे। तो सर ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए आपके तरफ से सजेशंस होने चाहिए, अगर वो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, अब आपके पास तो ये एक एडवांटेज था कि आपके भाई थे, उनके नोट्स थे, तो उन्होंने आपको बहुत ज्यादा गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सर लेकिन जब से क्या सजेशन होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोई गाइडलाइन ही नहीं है, और जिनको नहीं पता है कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या कौन कौन से बुक्स रखे जाएंगे या कौन से टॉपिक को कितना कवरअप करना है, तो आपका क्या सजेशन होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली जेएनयू के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं? सर वैसे तो मैंने मेरा सजेशन यही है कि यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। सर आपकी साइट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जिन पे आपने बता रखा है कि किसी का प्रिपरेशन करनी चाहिए किस टाइप से। उसके अलावा टॉपर्स के जो इंटरव्यू है जिन बच्चों ने क्रैक करा है, तो उन सबके इंटरव्यू देख के सर आई थिंक के जो आर्ट्स से नहीं है और साइंस से बिलोंग करते हैं सर वो लोग कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे वैसी सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाती है। और सर जिस टाइप से आपने ये कैंपेन चलाया कि जिन्होंने क्लियर कर लिया उनसे पूछना कि आपने क्या क्या रेफर किया था क्या नहीं, तो सर ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो नंदिनी जी, आपका जो यूपीएससी का जर्नी है वो पहले आप एमए कंप्लीट कर लीजिएगा तभी स्टार्ट कीजिएगा, या साइट से आपने शुरुआत कर दी है? सर मैं स्टार्टिंग कर चुकी हूँ और एमए के साथ में ही मैं उसकी प्रिपरेशन भी करती रहूंगी। अच्छा, ठीक है। यस सर तो नंदिनी जी, लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने थैंक यू अपना सर समय दिया, धन्यवाद। एंड वी होप कि आपके जो भी फ्यूचर इंडेवर्स हो, जो भी आपका फ्यूचर टारगेट हो, आप 100% उसमें सफल हो जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।